इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। इन आइसोमर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेंजीनोइड कंपाउंड कौन से होते हैं। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना जरूरी होता है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उनको हम बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आज ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे जिनमें कम से कम एक बेंजीन प्रेजेंट होगी। अब अगर मान लो किसी भी कंपाउंड में एक बेंजीन प्रेजेंट है तो इस बेंजीन रिंग के कारण उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसे कंपाउंड की जो डी यू होगी वो 4 या 4 से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर एक बेंजीन रिंग की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा देखा था, जो डी यू होती है वो पाई बॉन्ड की संख्या और रिंग की संख्या का टोटल होता है। अगर बेंजीन की डी यू की बात करें तो इसमें 3 पाई बॉन्ड होने के कारण इसकी डी यू पाई बॉन्ड के कारण 3 हो जाती है, क्योंकि इसमें एक रिंग भी प्रेजेंट है। इस कारण से इसकी जो टोटल डी यू होती है वो 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बेंजीनोइड कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमर हमको ड्रॉ करने हैं तो ऐसे कंपाउंड की जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसे हम डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन भी कहते हैं, उसका मिनिमम 4 होना जरूरी है। एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C8H10 दिया गया है और इस कंपाउंड के इस मॉलिक्यूल फार्मूला से हमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो ऐसे कंपाउंड में सबसे पहले हमको 2 काम करने हैं। पहला तो हमको ये करना है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला है उस मॉलिक्यूल फार्मूला से उसके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को कैलकुलेट कर लेना है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है इसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात की जाए तो इसकी अनसेचुरेशन 4 आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, चूंकि इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है और हमको बेंजीनोइड कंपाउंड बनाना है, इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में अगर हम एक बेंजीन को रख देते हैं तो इससे हमारे पास 2 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पहली चीज तो ये सोल्व हो जाती है कि इस कंपाउंड की जितनी डी यू थी वो सारी की सारी डी यू इस बेंजीन ने मेंटेन कर दी। दूसरा ये हुआ, इन 8 कार्बन में से 6 कार्बन का स्केल्टन हमको पता चल गया, यानी कि इस कंपाउंड में अब हमारा टास्क सिर्फ यही है कि जो बचे हुए 2 कार्बन हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है। तो इस कंपाउंड के आइसोमर ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हम बेंजीन को ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन को ड्रॉ करने से, जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे पास 6 कार्बन का स्केल्टन आ गया है और डी यू 4 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। अब हमको करना क्या है, बचे हुए 2 कार्बन का कोई ऐसा ग्रुप सोचना है कि जिसमें डी यू एक्सीड ना करे, यानी कि ये 2 कार्बन है उनका हम सबसे पहले कोई ऐसा ग्रुप सोचते हैं कि जिससे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला मैच हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बचे हुए 2 कार्बन को इथाइल बना के लगा देते हैं और ऐसा करने के बाद इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल फार्मूला है वो इससे मैच करके देखते हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूल फार्मूला सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड का पहला हमने बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर लिया। अब हमको करना क्या है, इस बेंजीन को मेंटेन करना है और इन दोनों इथाइल ग्रुप से कुछ एक और ग्रुप को सोचना है। जैसे सपोज इस इथाइल ग्रुप में से यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप को मैं पिक करके इस कार्बन पर शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे इस मिथाइल को यहाँ से हटाकर हम इस कार्बन पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जो एच होगा वो रिलीज होगा, यानी ये CH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा और यहाँ से जो एच रिलीज होगा वो इस CH2 को मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि जैसे ही आपने यहाँ से CH3 को मूव करके नीचे ले गए तो यहाँ भी CH3 बन जाएगा और यहाँ भी CH3 बन जाएगा। ये दोनों कंपाउंड आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि हमने एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और ड्रॉ कर लिया। अब हमको करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे होल्ड कर लेना है। अब दूसरे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन जब तक चेंज करनी है कि जब तक हमको आइडेंटिकल आइसोमर मिलना ना शुरू हो जाए। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड में इस मिथाइल को यहाँ पे होल्ड कर लेंगे और बचे हुए इस मिथाइल को यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग कर देंगे। इस कारण से एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा रहेगा और दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास एक नया आइसोमर बन जाएगा जो कि 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन कहलाएगा। और इसी तरह से वापस जो पहले हमने होल्ड कर रखा था उसको वहीं पे होल्ड कर लेंगे
और ये जो CH3 ग्रुप होगा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही ये CH3 ग्रुप यहाँ पे आएगा, अब इस वाले आइसोमर में होगा क्या कि दो CH3 जो होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, यानी कि अभी हमारे पास 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। अब जैसे ही इस कंपाउंड में इस CH3 को यहाँ होल्ड करते हुए इस CH3 की पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो अगेन ये कंपाउंड जो होगा बिल्कुल इसके सिमिलर बन जाएगा, यानी कि अब इस कंपाउंड में हम CH3 ग्रुप की शिफ्टिंग नहीं कर सकते, यानी CH3 ग्रुप को किसी भी तरीके से और किसी कार्बन पर नहीं लगा सकते। तो इस कंपाउंड में यानी कि C8H10 के टोटल हमारे पास 4 बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमने क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है बट आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C7H7Cl है और इस मॉलिक्यूल फार्मूला के थ्रू हमको बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगेन हमको दो काम करने होंगे। पहला तो ये करना होगा कि इस कंपाउंड में हमको DU कैलकुलेट करनी होगी। जैसे इस कंपाउंड की DU कैलकुलेट करेंगे तो इसकी DU हमारे पास अगेन 4 आएगी। इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड में हमको सिर्फ बेंजीन को ही मेंटेन करना है और किसी भी तरीके का कोई भी पाई बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, हमको ड्रॉ नहीं करना है। अगर इस कंपाउंड में ऐसा करने के बाद इसका मिनिमम स्केल्टन बनाए तो इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। ऐसा करने से टोटल हमारे पास 6 कार्बन का स्केल्टन यहाँ आ गया, यहाँ हमारे पास 7 कार्बन थे। इसका मतलब ये हुआ इसमें हमको एक कार्बन को अभी रखना पड़ेगा। साथ में इस कंपाउंड में खास बात ये है कि इसमें Cl प्रेजेंट है, यानी कि अब हमारा टास्क सिर्फ यही होना चाहिए कि हमको कोई ऐसा ग्रुप सोचना है जो एक कार्बन का बना हुआ हो। Cl को हम उसके ऊपर रख सकते हैं, Cl को उसके अलावा भी रख सकते हैं। जैसे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बचे हुए एक कार्बन और Cl का कोई ऐसा ग्रुप सोचते हैं जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम CH2Cl लगा लेते हैं। ऐसा करने के बाद इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल फार्मूला को चेक करते हैं। इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल फार्मूला है वो C7H7Cl आता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल फार्मूला का हमने सबसे पहला आइसोमर ड्रॉ कर लिया है। अब इस कंपाउंड में इन दोनों की शिफ्टिंग से कोई ऐसा ग्रुप सोचते हैं जो बन सकता है क्या, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि जो Cl है यानी हेलोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है जो कि यहाँ ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अगर सपोज Cl को यहाँ कर दिया जाए तो वैलेंसी एरर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में आपस में कोई शिफ्टिंग के थ्रू नया ग्रुप की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस Cl को यहाँ से पिक करके बेंजीन के इस कार्बन पर शिफ्ट कर देंगे और जैसे ही हम इस Cl को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे यहाँ से एक H रिलीज होगा जो इस CH2 को मिल जाएगा, यानी कि अब ये जो CH2 ग्रुप होगा वो इस H के मिलने से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो Cl होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसके आइसोमर को ड्रॉ करें, जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे ही एक H ऊपर जाएगा यहाँ CH2 की जगह CH3 हो जाएगा और यहाँ का जो Cl ग्रुप है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगेन इसमें हम क्या करेंगे कि CH3 को यहाँ होल्ड करेंगे और इस Cl की पोजीशन जब तक चेंज करेंगे जब तक हमारे पास डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं, यानी ये जो Cl है इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में अभी 2 नंबर पोजीशन पे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस Cl को शिफ्ट करेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो Cl है ये इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में अभी ऑर्थो पोजीशन पे है और जैसे ही इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे इसका एक डेरिवेटिव और बन जाएगा जो कि मेटा पोजीशन पे क्लोरीन रखता होगा। अब बनने वाले इस मेटा डेरिवेटिव में अगेन यहाँ से Cl को पिक करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे और जैसे ही Cl यहाँ पे शिफ्ट होगा ये हमारे पास इसका पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी कि हमारे पास C7H7Cl के टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में हमको C9H12 के बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब इस C9H12 की DU कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपाउंड की जो DU है वो 4 आएगी, यानी अगेन इसमें क्या होगा, बेंजीनोइड कंपाउंड होने के कारण इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी और जैसे ही हम इसमें एक बेंजीन रिंग बनाएंगे DU 4 की जो रिक्वायरमेंट थी वो इसने फुलफिल कर दी। हमारे पास टोटल 9 कार्बन थे जिसमें से हमारे पास 6 कार्बन का स्केल्टन हमको पता लग गया। अब इस 6 कार्बन के इस बेंजीन के स्केल्टन पर हमको बचे हुए 3 कार्बन रखने हैं। अब उन 3 कार्बन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन 3 कार्बन का सिंपलेस्ट ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि हम उसको
प्रोपाइल की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी यहाँ बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन का हम प्रोपाइल ग्रुप लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें से कोई भी कार्बन या कोई भी ऐसा ग्रुप नीचे लेके नहीं आना है जब तक इन 3 कार्बन से हम कोई नया पॉसिबल ग्रुप ना बना लें। अगर सपोज इसमें कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा तब इसमें से एक CH2 ग्रुप को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। अब जैसे हमारे पास 3 कार्बन का यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप बनी हुई है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इन 3 कार्बन से यहाँ पे प्रोपाइल की जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना सकते हैं। यानी पहले तो हमने क्या करा, बेंजीन का कंप्लीट स्केल्टन बना दिया। अब बचे हुए 3 कार्बन वो इसमें लीनियर अरेंजमेंट ना होकर इस तरह से अरेंज होते हैं कि आइसोप्रोपाइल चेन बन जाए। अब इन 3 कार्बन से हम कोई भी और एल्काइल ग्रुप ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये कंपाउंड आया है जिस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें से एक CH3 ग्रुप को यहाँ से शिफ्ट करके बेंजीन के इस पोजीशन पर लेके जाएंगे। जैसे ये CH3 ग्रुप यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक H रिलीज होगा, वो H चला जाएगा इसके पास, क्योंकि यहाँ पे CH ग्रुप था, यहाँ से ये CH3 ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया था और H इसको मिलने के कारण अब ये CH बन जाएगा CH2। यानी कि हमारे पास एक तीसरा और आइसोमर बन जाएगा जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी और ऊपर इसमें एथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और एथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब इस कंपाउंड में क्या करेंगे, अगेन इस इथाइल ग्रुप को यहाँ पे होल्ड कर लेंगे और इस CH3 को इस इथाइल ग्रुप का जो ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे CH3 शिफ्ट करोगे तो ऊपर वैसे का वैसे इथाइल ग्रुप बचा हुआ रह जाएगा और ये जो CH3 ग्रुप है अब इस बेंजीन में यहाँ पर मेटा पोजिशन पर आ जाएगा। ये मेटा पोजिशन इस इथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हुई, यानी इसमें ये मिथाइल ग्रुप इस इथाइल के रिस्पेक्ट में तीसरे नंबर पोजीशन पे है या मेटा पोजीशन में है, जबकि इसमें मिथाइल ग्रुप इस इथाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर पोजीशन में है या फिर ऑर्थो पोजीशन में है। अब हम क्या करेंगे, बनने वाले इस कंपाउंड में अगेन CH3 को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे और जैसे ही CH3 यहाँ पे आएगा और जैसे ही CH3 ग्रुप नीचे शिफ्ट होगा तो होगा क्या, इस इथाइल ग्रुप के बिल्कुल सामने अब मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। यानी इस इथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो मिथाइल ग्रुप आया है वो इसकी पैरा पोजीशन पे आया है। तो इस तरह से हमने इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करते हुए इसके ऑर्थो मेटा पैरा तीनों डेरिवेटिव बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस CH3 को यहाँ पे फ्रीज करेंगे, अब इस इथाइल ग्रुप में एक और मिथाइल ग्रुप को इस जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। अब जैसे ही ये CH3 ग्रुप इस कार्बन पर आएगा यहाँ से एक H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही यहाँ से एक H निकलेगा इस CH2 के पास जाएगा, ये CH2 बन जाएगा CH3 ग्रुप और ये जो CH3 ग्रुप था इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तब इससे होगा क्या, एक नया आइसोमर बनेगा जिसमें अब ये दोनों मिथाइल जो होंगे एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे होंगे और यहाँ पे CH3 ग्रुप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इतने आइसोमर बनाने के बाद ये जो हमारे पास कंपाउंड आया है इसको बड़ा ढंग से समझना। अगर सपोज इस CH3 ग्रुप को यहाँ से उठाकर हम यहाँ लगा देते तो हमारे पास वापस यही कंपाउंड बन जाता। तो अब हमको करना क्या है कि इस CH3 को शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो आपको आइडेंटिकल कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल यही सेम वापस बन जाएगा। अब बचे हुए इन दो CH3 को सोचते हैं। अब इस CH3 को हम क्या करें, यहाँ से हटाकर अगर यहाँ लगा देते हैं तो वापस हमारे पास यही कंपाउंड बन जाएगा, यानी रिपीटेशन हो जाएगी। फिर क्या करें, इस CH3 को यहाँ से पिक करके यहाँ ले जाते हैं और ऐसा करने पर अब हमारे पास ये जो 3 CH3 ग्रुप होंगे वो एक लाइन में आ जाएंगे। यानी कि बनने वाले इस कंपाउंड में तीनों मिथाइल ग्रुप कंजुगेटिव कार्बन्स पे होंगे। अब हमको ये देखना है कि बनने वाले इस कंपाउंड में क्या इन तीनों मिथाइल को हम शिफ्ट करके एक कंपाउंड और बना सकते हैं क्या। इसमें हम इन मिथाइल को इस तरह से अरेंज करें कि तीनों मिथाइल ग्रुप जो हैं अल्टरनेट कार्बन पे रहे। यानी कि अब हमारे पास ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें पहली तीसरी और पांचवी पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब इस कंपाउंड में किसी भी तरीके से हम और नए बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ इस C9H12 के टोटल 8 बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। एग्जांपल नंबर 4, इस एग्जांपल में हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ना देके ऐसा पूछा गया है कि हमारे पास कोई बेंजीन है जिस पे हमको 4 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, यानी हम कितने तरीके से
टेट्रा मिथाइल बेंजीन बना सकते हैं। इसका मतलब सीधा से ये है कि हमको बेंजीन रिंग बनानी है और हमको चार मिथाइल ग्रुप ही रखने हैं, बस उनकी पोजीशन को डिफरेंट रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेंजीन बना लेते हैं और बेंजीन में ये चारों जो मिथाइल ग्रुप हैं उनको हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं, यानी उनको हम 1, 2, 3 और 4 पोजिशन पर लगा लेते हैं। अब बनने वाले इस कंपाउंड में हमको मिथाइल ग्रुप को इस तरह से शिफ्ट करना है कि इससे हमारे पास एक नया आइसोमर बन जाए। अब हम क्या करेंगे, या तो इस मिथाइल को शिफ्ट करेंगे आइदर फिर इस मिथाइल को शिफ्ट करेंगे। इन दोनों में से किसी एक मिथाइल को शिफ्ट करने से हमारे पास आइडेंटिकल कंपाउंड आएंगे। सपोज हम इस मिथाइल को शिफ्ट करते हैं, अब यहाँ से क्या करना है, इस मिथाइल को हटाकर इस कार्बन पर लगा देना है। अब इससे हमारे पास एक नया आइसोमर बन जाएगा। इस आइसोमर में होगा क्या, तीन जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो तो सीक्वेंस में लगे रहेंगे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। अब बनने वाला ये जो कंपाउंड है उसमें वापस इस मिथाइल को अगर यहाँ से शिफ्ट करके अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो वापस हमारे पास यही कंपाउंड बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस कंपाउंड में इस मिथाइल ग्रुप को हम हटा नहीं सकते। अब मान लो इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा कर यहाँ रखें, तब हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा। अब उस नए कंपाउंड को हम इस मिथाइल के थ्रू भी बना सकते थे और इस मिथाइल के थ्रू भी बना सकते थे, यानी इस मिथाइल को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, आइदर इस मिथाइल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास सेम कंपाउंड बनेगा। और वो कंपाउंड क्या होगा, इस कंपाउंड में जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, सपोज हम इस मिथाइल को शिफ्ट करके यहाँ लेके आते हैं, तब होगा क्या, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप बचे हुए रह जाएंगे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पहले से था और नया मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ मिथाइल ग्रुप पहले से था, यहाँ भी पहले से था और यहाँ भी पहले से था, यहाँ नया मिथाइल ग्रुप आ गया। अब चाहे आप इस मिथाइल को शिफ्ट करो, चाहे इसको शिफ्ट करो या इसको करो, आइदर इसको करो, अब इस कंपाउंड से किसी भी तरीके से ऐसा कोई आइसोमर नहीं बन सकता जिसमें चार मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। यानी कि हम टेट्रा मिथाइल बेंजीन की बात करें तो टेट्रा मिथाइल बेंजीन हमारे पास इस तीन तरह की ही पॉसिबल हो सकती हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C7H8O दिया गया है और इससे हमको बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पहला काम ये करेंगे कि इस कंपाउंड की जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब आप इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो इसकी जो DU है वो 4 आएगी। चूंकि हमको बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं तो अगेन हमारे पास DU 4 आई है। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने करा है, सेम उसी तरीके से सबसे पहले बेंजीन को ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन को ड्रॉ करने से दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। पहली तो ये कि इस कंपाउंड की जो DU थी वो इस बेंजीन ने मेंटेन कर दी, और इस कंपाउंड में टोटल 7 कार्बन थे, बेंजीन ने इस तरह से 6 कार्बन का एक स्केलेटन मेंटेन कर दिया। अब हमको करना क्या है, अगर इस मॉलिक्यूल फार्मूला को देखें तो अभी हमारे पास एक कार्बन की कमी है और एक ऑक्सीजन की कमी है, यानी इस कंपाउंड में अगर हम एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को रख देते हैं तो वो हमारे पास इस मॉलिक्यूल फार्मूला का बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। अब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का सबसे सिंपलेस्ट जो ग्रुप बनता है उसको सोचते हैं। अगर हम एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को सोचें तो सबसे पहले हमको CH2OH ग्रुप बना लेना है। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ये हो गया। अब बनने वाले इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में से किसी भी ग्रुप को जब तक हम बेंजीन पर लेके नहीं आएंगे, जब तक हम ये कंडीशन चेक ना कर ले कि इससे कोई और ग्रुप बन सकता है क्या। अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के इस हिस्से को अगर ढंग से देखें, अगर मैं इस O को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यानी इस कार्बन की जगह पे मैं O ले आता हूँ और ये जो CH2 है वो मैं इधर ले जाता हूँ, तो बेसिकली ये CH2 जब इधर जाएगा इस H के साथ जुड़ के CH3 बन जाएगा और O जो यहाँ आएगा वो इस बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, यानी कि इससे मेरे पास एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा जिसमें बेंजीन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर को बनाने के बाद अब हम या तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, आइदर फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी एक को कंसिडर करने से हमारे पास आगे के आइसोमर बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, अब हम इस CH3 को यहाँ से उठाकर इस पोजीशन पर लगाते हैं, जैसे ही CH3 इस कार्बन पर जुड़ेगा यहाँ से एक H निकलेगा, वो H चला जाएगा इस O के पास, तो बेसिकली ये जो O होगा इस H को लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप इस OH की ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और बन जाएगा जो कि फिनोल का डेरिवेटिव होगा,
यानी फिनोल की ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप होगा। अभी हमने ये मेंशन किया कि इन दोनों में से एक को ही कंसिडर करना है। सपोज हम इसको ना कंसिडर करके इसको कंसिडर करते हैं, तब इसमें क्या होता, इसमें ये OH ग्रुप को यहाँ से उठाकर जब आप इस कार्बन पर लगाते हैं तो यहाँ तो OH लग जाता और यहाँ से जो H निकलता वो इस CH2 के पास चला जाता। तो बेसिकली ये जो CH2 है वो इस H को लेकर CH3 में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि इससे हमारे पास यहाँ पर ये CH2H ले लेता तो ये बन जाता CH3 ग्रुप और OH जब नीचे आता वो यहाँ पे लग जाता। अब यहाँ पर इसके थ्रू ये हमने कंपाउंड बनाया है और इसके थ्रू ये हमने कंपाउंड बनाया है और ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसमें OH की ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है और यहाँ भी OH की ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है, इसीलिए हमने ऐसा मेंशन किया है कि इन दोनों में से किसी एक कंपाउंड को कंसिडर करना है। क्योंकि अब हम इस कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं तो इसको कंसिडर नहीं करना है, यानी कि ये जो हमने ड्रॉ करा है इसको हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड था जिसमें CH3 ग्रुप यहाँ OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है, अब यहाँ से ये मेटा पे जा सकता है और फिर पैरा पे जा सकता है, यानी इसके ये दो आइसोमर और बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें किसी भी और मिथाइल ग्रुप को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल आइसोमर होंगे। तो इस तरह से इस C7H8O के टोटल 5 बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2 दिया गया है, जिसमें अगेन हमको बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारे पास 5 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने डील करे थे, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 5 तक जितने भी कंपाउंड हमने डील करे हैं उन सब में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 था। इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 है और साथ में हमको ये भी बोला गया है कि बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। इसका मतलब ये है कि पहला तो हम काम क्या करेंगे कि एक बेंजीन को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हम बेंजीन को ड्रॉ करेंगे इसमें दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला तो ये, इस 7 कार्बन में से हमको 6 कार्बन का स्केलेटन पता चल गया है और 5 डीयू में से इस बेंजीन ने 4 डीयू की भरपाई कर दी है। अब हमको करना क्या है, अगर इस बेंजीन का और इसके मॉलिक्यूल फार्मूला का आपस में डिफरेंस देखें तो अभी हमको 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन को अरेंज करना है। बट साथ में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन को अरेंज करना चाह रहे हैं उसकी इटसेल्फ डीयू हमको 1 बनानी है, ताकि टोटल डीयू हमारी 5 तभी होगी कि 4 तो हमने यहाँ मेंटेन कर दी और बचे हुए 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उसकी खुद की डीयू 1 हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास डीयू हो जाएगी 5। अब सोचो ऐसा कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 ऑक्सीजन होती हैं और 1 कार्बन के साथ उसकी इटसेल्फ डीयू 1 होती है। अगर हम 1 कार्बन वाला और 2 ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप को एज्यूम करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें 2 ऑक्सीजन होती हैं, 1 कार्बन होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण यानी पाई बॉन्ड होने के कारण इसकी इटसेल्फ डीयू 1 होती है। अगर इस ग्रुप को उठाकर हम यहाँ बेंजीन पर कहीं भी लगा दें तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल फार्मूला होगा वो C7H6O2 होगा और इस कंपाउंड की अब जो टोटल डीयू आएगी वो 5 हो जाएगी, यानी 1 डीयू इसकी हो जाएगी और इस बेंजीन वाले हिस्से से 4 डीयू हो जाएगी, यानी इस कंपाउंड की जो डीयू है वो 5 हो जाएगी। अब एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के बाद इसमें किसी ग्रुप को बेंजीन में लेके आना है। अब हमको ध्यान क्या रखना है, जैसा कि हमने सभी एग्जांपल में किया है कि पहले इस ग्रुप का आपस में इंटरचेंज या कुछ शिफ्ट से या कुछ एटम की फेर बदल से हमको एक नया फंक्शनल ग्रुप सोचना है। अब मान लो यहाँ से OH ग्रुप जो है पूरा का पूरा उठाकर हम यहाँ पे जोड़ दें, बट इससे हमको कोई फायदा नहीं होगा, वापस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि पूरा OH ग्रुप अब हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ से H को उठाकर इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाए तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी डेफिशिएंट हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, ना तो हम OH को एक साथ शिफ्ट कर सकते और ना ही हम H एटम को शिफ्ट कर सकते। क्या इस O एटम को शिफ्ट कर सकते हैं, अगर सपोज O एटम यहाँ बेंजीन पे जुड़ जाए और ये जो CO ग्रुप है इस O की जगह पे आ जाए तो इससे हमारे पास एक एस्टर की फॉर्मेशन होगी। इस कंपाउंड में होगा क्या, बेंजीन के साथ यहाँ O जुड़ जाएगा और यहाँ पे CO चले जाने से ये हमारे पास एक नया स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा जो कि एक एस्टर होगा।
अब हमको करना क्या है कि इस कंपाउंड में जो हमने अभी बनाया है इसका CHO ग्रुप जो है इस पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ से उठाकर यहाँ जोड़ देते हैं। जैसे ही CHO ग्रुप इस कार्बन के साथ जोड़ोगे तो यहाँ से जो H निकलेगा वो चला जाएगा इस O के पास, यानी कि ये जो O होगा इस H को लेकर बन जाएगा OH, और ये जो CHO ग्रुप होगा वो इस पोजीशन पे चला जाएगा। यानी कि अब हमारे पास एक नया स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा जिसमें फिनोलिक OH की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब चूंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे हैं, अब इस CHO को हम इस मेटा पोजीशन पे भी ले जा सकते हैं और इस CHO को अगले कंपाउंड में या पैरा पोजीशन पे ले जा सकते हैं। यानी इस कंपाउंड के थ्रू अब हम दो कंपाउंड और बना सकते हैं। अब बनने वाले इन पांचों कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड के थ्रू हम नया स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ इस C7H6O2 के टोटल 5 बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो गाइज आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर में बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा। वीडियो के रेस्ट पार्ट में टोटल 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट के टोटल 3 पार्ट हैं ए बी और सी। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एरोमेटिक पोजिशन आइसोमर बनाने हैं और इसमें आप एक्स वाई और जेड इन ग्रुप को हैलोजन मान सकते हैं। जैसे कि इसके फर्स्ट ए केस में हमको 3 सिमिलर हैलोजन को रखते हुए एरोमेटिक पोजिशन आइसोमर बनाने हैं और बी केस में हमको टोटल 3 हैलोजन रखनी है जिसमें से 2 हैलोजन आइडेंटिकल होगी और 1 हैलोजन हमारे पास डिफरेंट होगी। यानी कि इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि बी के लिए हम कोई ऐसा कंपाउंड सोच सकते हैं जो C6H3 हो जिसमें 2 हैलोजन सेम हो और 1 हैलोजन डिफरेंट हो। इसी तरीके से इसके सी ऑप्शन में XYZ तीनों डिफरेंट हैलोजन है। तो बेसिकली बेंजीन पर 3 हैलोजन को रखने के तीनों केस हमने एज्यूम कर लिए हैं कि तीनों सिमिलर हैलोजन हो, 2 सिमिलर 1 डिफरेंट हो, आइदर तीनों डिफरेंट हो। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप C8H8O के बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करेंगे उसमें हमको इनोल नहीं बनाना है। इनोल का मतलब ये है कि हमको ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाना है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के डायरेक्ट जुड़ता हुआ OH हो और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है ये एल्कीन वाला डबल बॉन्ड हो, यानी कि बेंजीन वाला डबल बॉन्ड हो। यानी कि हम इसमें इनोल नहीं बनाएंगे। अब ये इनोल क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि टोटोमेरिज्म में हमने देखा था जो इनोली कंपाउंड होते हैं वो इजीली टोटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में चले जाते हैं और जब आप ये आइसोमर ड्रॉ करोगे तो इनकी कीटो फॉर्म आप ऑलरेडी बना चुके होगे, तो इसलिए इनोल फॉर्म बनाओगे तो इनकी काउंटिंग डबल हो जाएगी। तो इसलिए इस फार्मूले में हमको इनोल फॉर्म नहीं बनानी है। तो गाइज आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। दीज आर द आंसर।